कृष्ण दाऊ, ये भोजन है आपकी यात्रा के लिए। इसके पूर्ण होने से पूर्व ही लौट आइएगा। श्री कृष्ण, आप ऐसे ही किसी के भी आरोप को झूठा सिद्ध करने क्यों जा रहे हैं? इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की आवश्यकता अवश्य है रुक्मिणी। यदि मैं अभी नहीं गया तो भविष्य में कोई मुझ पर आरोप लगाने का प्रयास अवश्य करेगा। मैं इस कलंक से मुंह नहीं मोड़ सकता, मुझे इसे दूर करना ही होगा। और इस कलंक को ही नहीं, इसकी संभावना को भी मुझे मिटा देना होगा। किंतु श्री कृष्ण, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप मेरा एक निवेदन मान लीजिए, ऐसे अकेले नहीं, आप सैन्य बल के साथ जाइए। मैं बल के साथ ही जा रहा हूं रुक्मिणी। बलराम दाऊ जितना बल भला किस सेना में है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, किंतु फिर भी सैन्य बल तो सैन्य बल ही है ना। ठीक है, जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा, किंतु आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब यहाँ से जाऊं तो आपको तनिक भर भी चिंता नहीं करनी है। यदि आप ये करेंगे तो मैं वो करूंगा, ठीक है? हाँ रुक्मिणी, कृष्ण उचित कह रहा है। यदि तुम चिंता करोगी तो सैनिकों को ले जाने का क्या लाभ? ठीक है, मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी। देवति जी, आप भी निश्चिंत रहिए, हम दोनों शीघ्र ही लौट आएंगे। आते हैं रुक्मिणी। कान्हा, रुक्मिणी अब केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अभी तो तुम्हारी सखा भी है। तो तुम्हारे लिए उसका चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है ना। अब वो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करेगी तो भला किसके लिए करेगी? दाव क्या है ना, ये चिंता चिता असमान होती है, और किसी समस्या में यदि आप चिंता करने लगो तो वो समस्या और भी कुटिल हो जाती है। ये बात यदि रुक्मिणी नहीं समझी तो शीघ्र ही आप और अन्य सभी लोग समझ जाएंगे। सारथी, चलिए प्रस्थान करते हैं। ये कैसे साधारण और तुच्छ श्रृंगार सामग्री लाए हो मेरे लिए? सूर्य के तेज से बने स्वर्ण पहनती हूं मैं। मुझ जैसी रूपति के श्रृंगार का सामान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के सुंदर पुष्पों से बनाकर लाओ। सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य सामग्री ही लेकर आना मेरे लिए। से तुच्छ संसाधन से मैं अपने रूप को नहीं बिगाड़ सकती। सत्यभामा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी मति तो नहीं भ्रष्ट हो गई? श्री कृष्ण केवल तुम्हारे कारण उस मणि को खोजने गए, और तुम्हें अपने रूप की चिंता है? श्री कृष्ण ने मेरे और मेरे पिताश्री के सुरक्षा का दायित्व लिया है, परंतु अभी वे स्वयं यहाँ नहीं है। ऐसे में हम पर जो संकट था वो तो बना हुआ है ना। और ये द्वारका नगरी बिना द्वारकाधीश के उतनी शक्तिशाली तो है नहीं। ऐसे में यदि कोई युद्ध हुआ और हमें आत्मरक्षा करनी पड़ जाए तो? रुक्मिणी, एक स्त्री के लिए उसका रूप ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। बड़े बड़े योद्धा इस रूप के आगे असहाय हो जाते हैं। वे अपने युद्ध को भुलाकर इस रूप पर मोहित हो जाते हैं और कुछ भी करने को सज्ज होते हैं। इसके लिए मुझे अपने रूप का ध्यान तो रखना होगा ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? श्री कृष्ण और राधा ने तुम्हारे रूप की प्रशंसा क्या कर दी? तुम्हारी तो मति ही भ्रष्ट हो गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। ओहो रुक्मिणी, तुम्हारे पास ऐसा सौंदर्य नहीं है ना
इसलिए तुम नहीं समझ सकती, परंतु मैं समझ सकती हूँ। कृष्ण की अनुपस्थिति में यदि कोई ऐसा संकट आ जाए, कदाचित तभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी और तुम स्वयं देखोगी कि किस प्रकार मैं अपने रूप शस्त्र का प्रयोग करती हूँ। सत्यभामा, देखो रुक्मणी, श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि यहाँ मेरे सुख और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, और यदि मुझे मेरे अनुसार सुविधाएं नहीं मिली तो श्री कृष्ण का कथन मिथ्या हो जाएगा। मेरे होते हुए श्री कृष्ण का कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। दासी, इन्हें जो चाहिए दे दो। क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा, तुमने सुना नहीं? यदि तुम सत्यभामा की बातें सुनती तो तुम्हें भी भय लगता, तुम भी चिंतित हो जाती। वो कह रही थी कि ना ही श्री कृष्ण यहाँ है और ना ही बलराम दाव, रखरूर जी भी बंदी बने हुए। ऐसे में द्वारका असुरक्षित है, कभी भी युद्ध हो सकता है। राधा, यदि सच में ऐसा हो गया तो? रुक्मिणी, कृष्ण ने तुम्हें चिंता करने के लिए मना किया है ना? देखो, कृष्ण कोई भी बात यूं ही नहीं कहता, उसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा उद्देश्य या गहरा अर्थ हो सकता है। जानती हूँ राधा, किंतु हम अकेले हैं यहाँ, हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है। रुक्मिणी, तुम ये सब मत सोचो, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दो। यदि वो गया है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। क्या पता वो ये सोच कर गए हो कि कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। राधा, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी। अब तुम क्या करने वाली हो रुक्मिणी? थाना आधे से अधिक वन खोज चुके हैं हम, किंतु अब तक इस प्रशेन का कहीं भी कोई चिन्ह तक नहीं दिखा है। एक क्षण रुकना तो सारथी। कान्हा, यहाँ सारे सैनिक और मैं मिलकर उस प्रशेन को ढूंढने में लगे हुए हैं और तुम यहाँ भोजन कर रहे हो। तो मेरा कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ ना। अच्छा, तुम्हारा अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ, तो कब आरंभ होगा तुम्हारा कार्य ये भी बता दो। ये सारे व्यंजन समाप्त होते ही आरंभ हो जाएगा। क्या ना, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है ना, मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा पहले इन व्यंजनों का अंत करता हूँ, तत्पश्चात मन एकाग्रचित हो जाएगा, तत्पश्चात मैं आरंभ करूंगा अपना कार्य, और ऐसा करूंगा आप देखते रह जाओगे। हाँ तो क्या सारा भोजन खा जाओगे? सारा भोजन खा गए तुम? अब राधा ने इतने प्रेम से बनाया था तो मुझे तो खाना ही था। अब मैं क्या खाऊं? ये वन है दाव, वन में मिलते हैं स्वादिष्ट फल, वो खाइए। अच्छा काना, बहुत बढ़िया, तुम करो स्वादिष्ट व्यंजन की डकार और दाव करे फलाहार। काना, मैं तुम्हें ठीक है। बहुत अच्छे, आपसे कहा था ना कि व्यंजन संपन्न हो जाएगा तुम्हारा कार्य आरंभ हो जाएगा, हो गया, चलिए। हाँ हाँ, नारायण जो तो जो कहोगे वो तो होना ही है। आओ सैनिको, इस ओर। द्वारका की सुरक्षा के लिए कुछ करना ही होगा। मुझे यही होगा कि मैं पिताश्री से सहायता मांगू। तो यदि पिताश्री यहाँ नहीं आ पाए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो राधा रुक्मी को यहाँ भेज दे। कदाचित श्री कृष्ण के दंड से
माता रुक्मी सुधर गए हूँ।